एक्स की पावर 2n, n नेचुरल नंबर है, तो मतलब जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, या एक्स की इस तरह का जो होगा, अगर एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन होगा ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, 8, ये सब होगा, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? हमेशा आप जानते हो जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये होता है, ये बनता है। तो एक्स की पावर 4 में क्या होगा, ये जैसे 0 से 1 है, ये है -1 है, तो जब आप एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखोगे तो क्या होगा इसमें, ये 0 है यहाँ पर। जब आप एक्स की पावर 4 का बनाओगे तो एक्स की पावर 4 का ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे ये एक्स स्क्वायर का बना है, तो एक्स की पावर 4 का ग्राफ कैसा बनेगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 होगी तो एक्स की पावर 4 की जो वैल्यू होगी ना वो कम आएगी। जैसे अगर 0 से 1 लेंगे, 0 और 1 के बीच में लेंगे कोई वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर हम 0 से 1, 0 से 1 या इधर -1 से 0, मतलब कुल मिला करके अगर एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से लेके अगर 1 तक होगी, ऐसे में एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 छोटा होगा, एक्स की पावर 6 छोटा होगा, ऐसे चलता जाएगा। अगर आप कोई भी वैल्यू 1 से छोटी लेते हो और उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसकी पावर 4 करोगे, तो 4 पावर कम आएगा स्क्वायर से, ऐसे ही 6 पावर और कम आएगा, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इसके नीचे से जाएगा, यहां से होता हुआ ऐसे जाएगा नीचे से, और 1 पे जा करके, 1 पे जाके काटेगा और तब उसके ऊपर ऊपर आ जाएगा, इस तरह से ग्राफ होगा। ऐसे ही -1 में क्या होगा, एक्स की पावर 4 जो होगा वो छोटा होगा, जितना सपोज करो मैंने 0.1 0.2 रखा, तो 0.2 पे जो वैल्यू होगी -0.2 पर, एक्स इक्वल टू माइनस का 0.2 ले और एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 0.04 आएगा, और एक्स की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा इसका, 16 आएगा, और 1 2 3 4 4 इतना, तो ये वैल्यू तो और छोटी हो गई ना, ये वैल्यू छोटी होगी, तो ग्राफ जो जाएगा वो कैसे जाएगा, ऐसे तो जाएगा। ऐसे एक्स की पावर 6 का जो ग्राफ होगा वो भी ऐसे ही बनेगा, नीचे से जाएगा ऐसे करता हुआ, ऐसे इधर से जाएगा। एक्स एक्स की पावर 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, सारे ग्राफ इसी तरह से बनेंगे। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई है? -1 से 1 के बीच में जो होगा वो छोटा होगा, -1 से 1 के बीच में एक्स की पावर 4, 6 छोटा होता जाएगा, और जो वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी, ऐसे में जो एक्स स्क्वायर होगा वो बड़ा होगा, मतलब एक्स उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, एक्स की पावर 4 छोटा होगा, उल्टा लिख दिया है, ऐसे लिखेंगे ये आएगा, ये -1 से 1 के बीच में छोटा होता जाएगा और 1 से बड़ा होगा, -1 से छोटा होगा, तो ऐसे में ये बड़ा होता जाएगा, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8, जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये ऊपर आ जाएगा ग्राफ। क्या ये बात क्लियर होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई दिक्कत है? देखो अब आगे चलते हैं, अगर ग्राफ इस तरह का होगा कोई भी, अगर एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2n-1, 2n-1, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो x आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे क्यूब आएगा,
रखेंगे तो 5 आएगा, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स की पावर 5 आ जाएगा, 7। इस तरह का अगर ग्राफ बनाना हो, क्यूब वगैरह का जिसका भी बनाना है, तो वो कैसा ग्राफ आएगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स का तो जानते ही हो आप, एक्स क्यूब का ऐसे करके ग्राफ आता है। ये एक्स इक्वल, ये लाइन है, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स की लाइन है। अब आपको एक्स क्यूब बनाना है, तो इसमें भी अगर देखो आप, अगर एक्स की वैल्यू -1 से 1 लोगे तो जो वैल्यू आएगी, अगर आप 1 ले रहे हो, 1 से छोटी वैल्यू ले रहे हो, और इसका ग्राफ बनाना है आपने एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का, एक्स की वैल्यू आपने 1 से छोटी ली, तो एफ एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 1 से अब छोटी आ जाएगी। जब आप एक्स को 1 लोगे, एफ एक्स भी 1 आएगा। ये पॉइंट आ गया, ये 1 पे आ गया। अब अगर आपने एक्स की वैल्यू 1 से छोटी ली है, तो उसका जो क्यूब होगा वो भी छोटा आएगा, क्यूब भी क्या होगा, छोटा आएगा। तो ग्राफ जो जाएगा वो कहाँ से जाएगा होता हुआ, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनता है ना। तो ग्राफ बनेगा कैसे इसका, अगर एक्स की वैल्यू 1 से ले रहे हो तो यूं जाएगा ऐसे करके होता हुआ, और ये यहाँ -1 है, ऐसे ग्राफ जाएगा। दोबारा समझ लो इसको, अगर हम एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स लाइन है, यानी वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, एक्स इक्वल टू 1 तो वाई 1, अगर एक्स की 0.5 तो ये भी 0.5 आएगा। लेकिन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब में अगर 1 से छोटी वैल्यू आएगी, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू लोगे, जैसे सपोज कर लो 0.2 लिया, तो 0.2 का क्यूब 0.01, तो वो इस वाली लाइन के नीचे ही आएगा, पॉइंट छोटा हो जा रहा है, पॉइंट पॉइंट जो है वो छोटा हो जा रहा है। अगर हम एक्स को 0.2 लेंगे तो एक्स क्यूब 0.008 और छोटा हो जा रहा है, तो वो इसके नीचे से जाएगा लाइन के। और जैसे ही एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, 1 से बड़ी अगर वैल्यू लेंगे हम, जैसे 1.1, 1.2 या 2 लेंगे, तो क्यूब करने पर फिर बड़ा आएगा, तब ऊपर आएगा ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स लाइन के। तो इसमें याद ये रखेंगे कि अगर x की वैल्यू -1 से 1 है, तो इसमें x से x क्यूब छोटा होगा, x की पावर 5 और छोटा होगा, ऐसे करके छोटा होता चला जाएगा। और वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, अब ये बड़ा हो जाएगा, x से बड़ा हो जाएगा x क्यूब। एफ एक्स इक्वल टू 1/x का आप जानते हो कितना होता है, ये होता है 1/x का, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। जब एक्स की वैल्यू 0 के आसपास होगी तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, एक्स जब 0 के आसपास होगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और जब एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो जो एफ एक्स होगा वो 0 को टेंड करेगा, इस तरह से है।
एक्स की पावर 1/2n का ग्राफ बनाना है अगर हमको, एन नेचुरल नंबर है, एन की वैल्यू 1 ली तो ग्राफ क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 1/2, और 2 लिया तो बन जाएगा 1/4 या 1/6। इस तरह का अगर कोई फंक्शन होगा उसका अगर हमें ग्राफ बनाना हो, ड्रॉ करना हो, तो तब कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स की पावर 1/2 की, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 जो डिफाइन होगा वो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी के लिए ही डिफाइन होंगे सारे के सारे, 0 से बड़ी के लिए डिफाइन होंगे, यानी एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स आ रहा है, ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन होगी, सपोज करो ये एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ये है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है। देखो एक बात आप ये देखो यहां पर कि वाई इक्वल टू रूट एक्स है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, एक्स हुआ, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, y स्क्वायर x, कैसा बनता है y स्क्वायर x का पैराबोला बनता है ना, ये y स्क्वायर x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे करके बनता है, यूं बनता है ना, लेकिन इसमें ये जो हमारा y स्क्वायर इक्वल टू x आ रहा है इसमें ये वाला इसका ग्राफ बनता है, इस तरह से बनेगा, लेकिन इसमें जो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, अब इसमें जो हमारा y है तो वो क्या होगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये जो y आएगा इस y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से बड़ी ही आएगी, क्योंकि रूट एक्स जो होगा रूट एक्स की वैल्यू भी तो 0 से बड़ी होगी, तो अगर हमारा रूट एक्स 0 से बड़ा होगा तो y की वैल्यू भी 0 से बड़ी हुई, तो जो ग्राफ होगा वो नीचे नहीं आएगा, ग्राफ जो होगा वो नीचे नहीं आएगा, बनेगा कैसे फिर इसका ग्राफ, देखो जो y स्क्वायर इक्वल टू x का जो बनता है वो ये वाला बनता है, ये बनेगा, और इसमें जो x है वो 0 से बड़ा है तो y की वैल्यू भी 0 से अगर बड़ी आएगी तो ये ऊपर को ऐसे बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा इस तरह से, तो ये जो हमारा y इक्वल टू रूट एक्स आएगा उसका ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू रूट एक्स का देखो, एक बात और देखो आप यहाँ पर कि जैसे मैंने इसका स्क्वायर कर दिया ना y स्क्वायर इक्वल टू x, तो ये आ गया x इक्वल टू y स्क्वायर, y इक्वल टू रूट एक्स का मैं इनवर्स निकालू अगर तो y इक्वल टू रूट एक्स, इसका स्क्वायर कर दिया y स्क्वायर इक्वल टू x, x इक्वल टू y स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया f इनवर्स y इक्वल टू y स्क्वायर, और अगर अब इसका मैं एफ इनवर्स एक्स इसका वेरिएबल चेंज कर दूं तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसको कोई फंक्शन ले लिया जाए तो कोई फंक्शन अगर ले लिया इसको सपोज करो जी एक्स ले लिया तो जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये बन गया, अब ये जो जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना तो ये जो जी एक्स है
वो ये वाला जो फंक्शन एफ एक्स था, कौन सा एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, इसका इनवर्स आ गया, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस वाले फंक्शन का इनवर्स आ गया। और जो इनवर्स फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन जो होता है वो फंक्शन का वाई इक्वल टू एक्स लाइन में मिरर इमेज होती है। तो अगर ये कोई फंक्शन लेंगे, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो इसका ग्राफ जो बनता है वो ऊपर को ऐसे बनेगा, इस तरह से ऐसे जाएगा, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, ये बनेगा इस इनवर्स फंक्शन का जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जो इसका ग्राफ बनेगा उसी की जो मिरर इमेज होगी वो ये वाला ग्राफ होगा वाई इक्वल टू रूट एक्स, तो वो कैसे जाएगा, इस तरह से बनेगा वाई इक्वल टू रूट एक्स। तो जितने भी ग्राफ बनेंगे हमारे, जैसे एक्स की पावर 1/2 का, अब एक्स की पावर 1/4 का बनाएंगे, तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है एक्चुअली, ये आ गया रूट एक्स का ग्राफ आ गया, ये किसका आ गया एक्स स्क्वायर का, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया ये वाला। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ और वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन की मिरर इमेज होंगी दोनों। अब जैसे हमने एक्स स्क्वायर का इसका बनाया ना वाई इक्वल टू रूट एक्स का, ऐसे ही हम बना सकते हैं अगर फंक्शन लेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, तो ये वाला एक्स की पावर 1/4 और एक्स की पावर 4 का अगर बनाएंगे तो वो भी मिरर इमेज आएंगे, ऐसे ही एक्स की पावर 1/6 का और 6 का, वो भी मिरर इमेज आएंगे, सारे के सारे ऐसे ही बनते रहेंगे। ये एक्स स्क्वायर था, एक्स की पावर 4 का जब लेंगे ये 0 1 पॉइंट है, वो इसके नीचे से जाएगा, ऐसे होता हुआ वो इसके नीचे जाएगा और इसके ऊपर जाएगा, इसके नीचे जाएगा ऐसे, इसके ऊपर जाएगा, ये एक्स की पावर 4 का होगा, ये एक्स स्क्वायर का है, ये एक्स की पावर 4 का होगा, और फिर इसका मिरर इमेज आएगा वो ऐसे करके, ये एक्स की पावर 1/4 का आ जाएगा, ये एक्स की पावर 4 का, ये एक्स की पावर 1/4 का आ जाएगा। इसी तरह से एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 1/6, सारे इसी तरह से बनते जाएंगे, ये जो पॉइंट होगा 0 1 होगा, 0 1 पे ये काटेंगे, ये बात क्लियर होगी। इसी तरह से आप जो बना सकते हो वो एक्स की पावर, ये हमने एफ एक्स इक्वल टू 1/(x^2n) लिया है, अब आप एफ एक्स इक्वल टू 1/(x^2n-1), यानी ये क्या आएगा, ये आ जाएगा n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/x हो गया, फिर 1/(x^3), 1/(x^5), ये सब चलेगा। 1/(x^3) का भी क्या होगा, ये एक्स क्यूब का मिरर इमेज होगा, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, 1/(x^3) का जो बनेगा एफ एक्स इक्वल टू 1/(x^3), वो एक्स क्यूब का ही मिरर इमेज बनेगा, ये 1/(x^5) है, ये एक्स की पावर 5 का ही मिरर इमेज बनेगा। एक हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीजें इसमें ज्यादा यूज होंगी, जो ट्रिग्नोमेट्री वाले ग्राफ हैं, ये काफी काम आते हैं।
जैसे आपको दे रखा हो सॉल्व द इनइक्वालिटी साइन एक्स इज ग्रेटर देन -1/2। अब ये बताना है कि साइन एक्स जो होता है वो -1/2 से बड़ा कब होगा। साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनता है। गलत बन गया है तो ये जीरो हो गया, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और ये वैल्यू π/2 ये आ जाएगी, ये बना। अब इसमें हमें दे रखा है साइन एक्स इज ग्रेटर देन -1/2, तो ये वाली वैल्यू हमारी 1 हो गई और ये वाली वैल्यू हमारी -1 हो गई, तो -1/2 कहीं यहां पर आएगा बीच में। तो यहां पर इस इनइक्वालिटी के लिए y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू -1/2 अगर ले ले हम, तो y इक्वल टू साइन एक्स का 1/2 का ग्राफ जो आएगा वो ये आएगा, पैरेलल लाइन आएगी ये ऐसा करके, ये आ गई पैरेलल लाइन, ये y इक्वल टू -1/2 की लाइन आ गई। तो इस तरह से दो लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब इसमें कहा हुआ है कि जो साइन एक्स है वो इससे बड़ा होना चाहिए -1/2 से, तो साइन एक्स -1/2 से बड़ा कौन सा हो रहा है देखना जरा, कहां से कहां तक हो रहा है। ये साइन एक्स है और ये वाई इक्वल टू -1/2 है, इसके ऊपर का जो पार्ट होगा वो बड़ा होगा। जो कर्व ऊपर आएगा, जैसे दो कर्व है तो दो कर्व में जो ऊपर आएगा वो बड़ा होगा, जो नीचे आएगा वो छोटा होगा। यानी कि हम जो देखते हैं तो वो किसको देखते हैं, हम देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू, यानी कि जो वाई की वैल्यू होती है उसको फंक्शन की वैल्यू मान रहे हैं। एक एक्स हो गया एक वाई हो गया यहाँ पर, तो ये जो वाई की वैल्यू है मतलब साइन एक्स की वैल्यू, जब हम दो कर्व को कंपेयर करेंगे तो जो कर्व ऊपर आएगा वो बड़ा होगा, यानी जिसकी वाई की वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ा होगा। तो इसमें इसमें और इसमें दोनों में देखें तो साइन एक्स बड़ा बड़ा कब होगा, ये वाला पार्ट बड़ा आ रहा है। देखो साइन एक्स का कहाँ तक बड़ा आ रहा है, ये आ गया, ये -1/2 ए यहां तक बड़ा आ गया। उसके बाद दोबारा फिर शुरू कब होगा, फिर वो यहां से शुरू हो जाएगा दोबारा, फिर ये बड़ा हो जाएगा। तो ये साइन एक्स जो हो गया वो -1/2 से हमेशा बड़ा हो रहा है, कहाँ तक ऐसे करके ये चला गया। ऐसे ही अगर हम इधर देखें तो ये सब बड़ा हो रहा है। तो तुम ये देखोगे यहां पर कि ये तो बार बार रिपीट होता रहेगा। कैसे रिपीट हुआ, ए यहां के बाद यहां तक हो गया बड़ा, उसके बाद फिर यहां से शुरू हो गया, फिर वो यहां तक हो गया, फिर अगली बार फिर रिपीट हो जाएगा यहां से, तो ये वैल्यू फिर रिपीट होगी। देखो तो कितने के बाद रिपीट हो रहा है, ये जो -1/2 है ये देखो। अब हम अगर ये वाली वैल्यू निकालें, ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, ये कौन सी वैल्यू है, तो देखो साइन एक्स माइनस का 1/2 आ रहा है, ये किसकी वैल्यू रही होगी यहाँ पर, ये यहाँ पर है हमारा π/2 है, माइनस का π/2 है, ये माइनस का पाई है, तो ये वाली वैल्यू कौन सी रही होगी जहां पे -1/2 हो रहा है, कौन सी वैल्यू रही होगी। दोनों को सॉल्व कर गए करें, साइन एक्स इक्वल टू -1/2 कहां पर आएगा, साइन माइनस इसको लिख सकते हो -π/3 π/6 π/6, तो साइन माइनस का π/6 यानी एक्स की वैल्यू -π/6 रही होगी यहां पर ये, और ये यहां तक आ गया, ये कौन सी वैल्यू रही होगी, ये पाई है। अब पाई से बड़ी वैल्यू, पाई से बड़ी वैल्यू, पाई से बड़ी कोई वैल्यू रही होगी, पाई और 3π/2 यानी कौन सा क्वाड्रेंट रहा होगा,
ये वाला जो क्वाड्रेंट होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट रहा होगा, तो पाई प्लस पाई बाई सिक्स, पाई प्लस पाई बाई सिक्स कितना हो गया, ये वैल्यू पाई से बड़ी है। पाई से बड़ी कहाँ पर रही होगी, साइन एक्स माइनस वन बाई टू को, या तो हम ये लिखेंगे साइन माइनस पाई बाई सिक्स, या हम ये भी तो लिख सकते हैं साइन माइनस साइन पाई बाई सिक्स था उसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई सिक्स, ये भी तो लिख सकते हैं, सेवन पाई बाई सिक्स आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू सेवन पाई बाई सिक्स रही होगी, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, माइनस पाई बाई सिक्स से लेकर के सेवन पाई बाई सिक्स तक हो गई। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, माइनस पाई बाई सिक्स से सेवन पाई बाई सिक्स तक, तो ये वैल्यू तो यहां से यहां तक आ गई, एक वैल्यू आई, उसके बाद ये वाली वैल्यू भी वही होगी। तो ये सारी वैल्यू जो होंगी टू एन पाई के बाद रिपीट हो रही होंगी, तो इसके बाद इसमें आप क्या करोगे, टू एन पाई प्लस कर दो, सेवन पाई बाई सिक्स और टू एन पाई प्लस कर दिया, एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू वन रखोगे तो वन रखने पे देखो क्या आता है, ये आ गया टू पाई माइनस का पाई बाई सिक्स, तो ये बन जाएगा इलेवन पाई बाई सिक्स बन जाएगा, और एन की वैल्यू वन यहाँ रखी तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू वन रख दी तो क्या हो जाएगा, टू बारह, बारह सात उन्नीस पाई बाई सिक्स, अगला इंटरवल ये वाला आ जाएगा। नमस्ते, तो फिर अगला इंटरवल ये आ जाएगा, उसके बाद 11 पाई बाई सिक्स के बाद ये वाला 11 पाई बाई सिक्स होगा, और ये देखो ये 19 पाई बाई सिक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसमें एक्स की वैल्यू एन की वैल्यू थ्री रखोगे तो और आगे वाला इंटरवल आ जाएगा, एन की वैल्यू माइनस वन रखोगे ये वाला इंटरवल आ जाएगा, तो सारे इंटरवल इसमें मिल जाएंगे जहां पर कि साइन एक्स जो होगा वो माइनस वन बाई टू से बड़ा होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को या नहीं आई, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, रिपीट करूं इसे, समझ आ गया। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू है, हमें चाहिए साइन एक्स की वो वैल्यू जो माइनस वन बाई टू से बड़ी हो, यानी वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू का ग्राफ देख लो, उससे ऊपर जो साइन एक्स का ग्राफ आ रहा होगा वो हमें चाहिए, तो इससे ऊपर कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये आ रहा है, देख लो ये आया, ये वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू के ऊपर है साइन एक्स का ग्राफ, इसको चाहिए हमें, तो एक तो हमारे पास ये आ गया, इसके बाद ये रिपीट हो रहा है यहां से, ये वाला चाहिए, ये वाला जो नीचे आ रहा है, अगर क्वेश्चन में हमें ये दे रखा होता कि साइन एक्स हमें माइनस वन बाई टू से नीचे वाला चाहिए, छोटी वैल्यू चाहिए, तो तब हम ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक लेते, ऐसे यहां पर ये वाला भी बड़ा आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये बहुत सारे इस तरह के पार्ट आएंगे, उन सारे पार्ट को हमको निकालना है, तो एक पार्ट आपका ये वाला निकाल लो बीच में, कोई सा भी पार्ट निकाल सकते हैं हम, तो मैंने ये वाला पार्ट निकाल रहा हूं, ये वाले पार्ट में हमें ये वाला पॉइंट चाहिए और एक ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट चाहिए, ये दोनों पॉइंट साइन एक्स और ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, किस किस का, साइन एक्स का और वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू का इंटरसेक्शन है। अब ये जो साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई सिक्स की होती है,
अब इस साइन पाई बाई सिक्स को मैं ये लिख सकता हूँ, माइनस साइन पाई बाई सिक्स भी लिख सकता हूँ, साइन माइनस पाई बाई सिक्स, वी माइनस साइन पाई बाई सिक्स होता है, तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ और इसे मैं पाई प्लस पाई बाई सिक्स भी लिख सकता हूँ। तो जब मैं ये लिखूंगा तो वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई सिक्स, और जब मैं ये लिखूंगा तो वैल्यू आ जाएगी सेवन पाई बाई सिक्स। तो ये दो पॉइंट मिल गए, माइनस का पाई बाई सिक्स, तो ये वाला पॉइंट तो माइनस का पाई बाई सिक्स आ गया, और ये वाला पॉइंट हो गया सेवन पाई बाई सिक्स, क्योंकि ये वाला पॉइंट पाई है, ये वाला पॉइंट पाई है, तो ये आ गया सेवन पाई बाई सिक्स, दो पॉइंट आ गए। यानी मैंने कहा एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस का पाई बाई सिक्स से सेवन पाई बाई सिक्स हो गई। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसमें, अब क्योंकि ये बहुत बार आएगी, साइन का जो होता है पीरियड वो टू पाई होता है, टू एन पाई इसमें प्लस कर दो, आप एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, वन रखोगे तो अगली वाली वैल्यू आ जाएगी, टू रखोगे उससे अगली आ जाएगी, माइनस में वन रखोगे इधर वाली आ जाएगी, माइनस टू रखोगे और लेफ्ट वाली आ जाएगी, जब प्लस वन में वैल्यू रखते जाओगे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर राइट की वैल्यू आएंगी, जब माइनस में रखते जाओगे लेफ्ट की वैल्यू आती जाएंगी सारी की सारी। अभी भी नहीं हुआ क्लियर? क्लियर नहीं हुआ अभी भी? एक और बनाओ, चलो ग्राफ अब बनाओ, कॉस एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू से छोटी, अपने आप बनाओ इसको, कॉस एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू से छोटी, ये कौन सी वैल्यू आएगी जरा बताइए। ये आपके क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगी रोल ये ग्राफ राफ की, सीख लो इसको ना अच्छे से। एक तो वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ यू, और एक वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू का। हमें चाहिए कॉस एक्स छोटा हो रहा है माइनस वन बाई टू से, तो कॉस एक्स छोटा कहाँ पर हो रहा होगा, कौन सी वैल्यू छोटी हो रही है, कहाँ पे हो रहा है छोटा, देखो ये वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू है, इसके नीचे जो भी ग्राफ आएगा दैट इज स्मॉलर, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ये सब छोटा वाला पार्ट आ रहा है, इस लाइन के नीचे आ रहा है। अब ये कैसे फाइंड करें, एज यू नो ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, पाई बाई टू होता है, ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा रहा होगा, इंटरसेक्शन निकाल दो इसका, कॉस एक्स और माइनस वन बाई टू, कॉस एक्स और माइनस वन बाई टू का इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, कॉस एक्स इक्वल टू दोनों को सॉल्व कर दो, माइनस वन बाई टू, पाई बाई टू से बड़ी वैल्यू रही होगी, है पाई बाई टू के आगे काट रहा है, तो माइनस वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई बाई थ्री कॉस 60 माइनस आ रहा है, पाई बाई टू से बड़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ये वाला पॉइंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट में आप कैसे लिखोगे इसको, कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री कितना हो गया, कॉस टू पाई बाई थ्री। फिर आ गया ये है थ्री पाई बाई, ये कौन सा पाई, पाई के आगे ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो कहां पर होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये आ गया पाई, पाई तक तो यहां तक हो गया, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये वाला जो पॉइंट है वो सेकंड में हो गया, ये पाई के आगे आ रहा है तो ये कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसी वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने ये लिखा इसी को आप ये भी लिख सकते हो कॉस पाई प्लस पाई बाई थ्री, क्योंकि ये पाई से बड़ा वैल्यू आएगी, थ्री पाई बाई टू से छोटी, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट रहा होगा पाई प्लस पाई बाई थ्री। तो हम इसी वैल्यू को ये कह सकते हैं कि ये कॉस टू पाई बाई थ्री की वैल्यू है और ये वाली कॉस फोर पाई बाई थ्री की वैल्यू है, यानी माइनस वन बाई टू टू पाई बाई थ्री पर भी है, फोर पाई बाई थ्री पर भी है। तो अगर मैं ये कहूँ यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, टू पाई बाई थ्री से लेके और कहाँ तक, फोर पाई बाई थ्री तक आ गई, उसके बाद ये हमेशा रिपीट हो रही है, तो टू एन पाई इसके अंदर ऐड कर दो, तो ऐड करके क्या आएगा, टू एन पाई इधर ऐड कर दो और टू एन पाई इधर ऐड कर दो, तो इसमें जब आप एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये एन की वैल्यू जीरो रखने पर, जब एन की वैल्यू वन रखोगे तो राइट साइड की वैल्यू आती जाएंगी, एन की वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू रखोगे जब आप, एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर तो सारी राइट की वैल्यू आ जाएंगी, और जब आप एन की वैल्यू माइनस वन रखोगे, माइनस में रखोगे वो सारी की सारी लेफ्ट की वैल्यू आती जाएंगी, सारे इंटरवल आपको मिल जाएंगे। क्या क्लियर हुई बात, एक ग्राफ बनाओ जैसे टेन एक्स है, टेन एक्स लेस देन टू है, अब इसका बनाओ कैसा बनेगा, टेन एक्स लेस देन टू, बना के देखो। टेन एक्स लेस देन वन बाई टू बनाओ, एक ग्राफ वाई इक्वल टू टेन एक्स का बनाओ, वाई इक्वल टू टेन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे करके बनता है, फिर ये पाई बाई टू, फिर ये थ्री पाई बाई टू आ जाएगा यहाँ। ऐसे चलता चला जाता है। अब वाई इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू टू लाइन कहां पर होगी, यहां कहीं होगी, ये लाइन होगी वाई इक्वल टू टू, हमें चाहिए टेन एक्स की वैल्यू टू से छोटी चाहिए, छोटा कहां पर है टेन एक्स की वैल्यू, ये टू है, इसके नीचे का जो ग्राफ आएगा वो छोटा होगा, तो नीचे का ग्राफ तो ये वाला आ रहा है, यानी इस वैल्यू की बात हो रही है, इस वैल्यू की बात हो रही है, इधर भी आएगा ये माइनस का, ये ऐसे करके होगा कहीं, वो यूं बनेगा यूं करके, हमारी जो बात चल रही है वो इसकी चल रही है, ये सारी वैल्यूज टेन एक्स की वैल्यू टू से छोटी चाहिए हमको। तो एक बात तो ये क्लियर है कि ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इधर तक, ये माइनस इन्फिनिटी को जा रही है, टेन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी इधर, तो वो कहाँ तक होगी,
माइनस फाइव बाई टू, ये वाला जो पॉइंट होगा माइनस फाइव बाई टू होगा, माइनस फाइव बाई टू पे इधर चली गई, तो ये वाला जो पॉइंट है यहां से शुरू हुई है, तो हमें ये वाला पॉइंट बताना होगा ये कितना होगा। हमें ये बताना है कि एक्स की वैल्यू हम कहां से कहां तक लें कि टेन एक्स टू से छोटा हो, टेन एक्स टू से छोटा कहां से कहां तक है, यहां से लेके और यहां तक है, यही वैल्यू तो आ रही है, ये यहां से शुरू हुआ है, ये टेन एक्स का ग्राफ है जो छोटा है, अगर टेन एक्स ये छोटा आ रहा है टू से, तो ये एक्स की वैल्यू तो ये हुई कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये एक्स क्या रहा होगा, यहां से लेके एक्स की वैल्यू और यहां तक, ये वाली वैल्यू लेनी है जो एक्स की होगी जब टेन एक्स छोटा होगा टू से, तो ये वैल्यू तो हमें पता है माइनस फाइव बाई टू है, ये वाली वैल्यू कौन सी है। देखो टेन एक्स इक्वल टू टू को सॉल्व करेंगे तो ये अभी अभी हमने सीखना है, तो एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स टू आ जाएगी, तो वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, माइनस फाइव बाई टू से लेके और टेन इनवर्स टू तक हो गई, ये माइनस फाइव बाई टू, एक्स की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू से लेके और टेन इनवर्स टू तक, इसके अंदर टू एन पाई प्लस कर दो, टू एन पाई के बाद ये रिपीट होता जाएगा, टू एन पाई के बाद हर एक वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू रखोगे राइट की वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव रखोगे लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। एक और वैल्यू देखो आप, इसमें निकाल रहा हूं मैं एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक निकालेंगे, थ्री एक्स प्लस फाइव बाई ट्वेल्व है और वन बाई रूट टू से छोटा होना चाहिए, इस तरह की वैल्यू को निकालने के लिए आप इसमें सब्सटीट्यूशन कर देना, थ्री एक्स प्लस फाइव बाई ट्वेल्व इसको आप टी रख दो, अब बन गया है साइन टी लेस देन वन बाई रूट टू, ये तो आप कर ही चुके हो अभी, इसका ग्राफ बना लो, कहां से कहां तक बनेगा, ऐसे बनेगा, वन बाई रूट टू कहां पर रहा होगा, वाई इक्वल टू वन बाई रूट टू का रूट टू बाई टू, रूट टू क्या होता है 1.4 0.7 के आसपास कहीं यहां पर रही होगी लाइन, ये जो लाइन होगी ये होगी वाई इक्वल टू वन बाई रूट टू की, अब साइन हमारा 1/√2 से छोटा है, छोटा कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है छोटा नीचे आ रहा है, वन बाय रूट टू से छोटा चाहिए ना साइन, छोटा तो ये आ रहा है इधर, ये छोटा आ गया, तो कोई एक इंटरवल ले लो, सपोज करो मैं ये वाला ले रहा हूं, जो ये वैल्यू होगी जीरो और ये वाली वैल्यू होगी पाई और यहाँ पे पाई बाई टू रहा होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है जो ये आ रहा है ये पाई बाई टू और पाई के बीच में है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम साइन टी इक्वल टू वन बाई रूट टू, किसकी वैल्यू हो गई है
साइन पाई बाई फोर। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे इसको, साइन पाई माइनस पाई बाई फोर, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, थ्री पाई बाई फोर, ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद अगर हम यहां चलें यहां तक, तो ये पाई है, तो ये वाला क्या होगा, टू पाई। तो ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा, टू पाई प्लस ये होगा हमारा पाई पाई बाई टू, तो टू पाई प्लस होगा ये वाला। तो इसी को आप लिख सकते हो साइन टू पाई प्लस पाई बाई फोर। कितना आ गया फिर, ये आ गया हमारा थ्री पाई बाई फोर और ये आ गया नाइन पाई बाई फोर। तो हम कह सकते हैं t की वैल्यू आ गई थ्री पाई बाई फोर से कहां तक, नाइन पाई बाई फोर, ये वाली वैल्यू आ गई है यहां से लेके और यहां तक, ये वाली वैल्यू जिसके अंदर वो इस वाली लाइन के नीचे है। अब क्या करोगे आप, 2n पाई इसमें ऐड कर दो सब में, ये आ गया 2n पाई। 2n पाई ऐड करके सारे रिपीट हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे, राइट साइड के भी और लेफ्ट साइड के भी। बट t हमने कितना लिया था, t हमने कितना लिया था, 3x प्लस पाई बाई 12 लिया था। तो t की जगह पर 3x प्लस पाई बाई 12 रख दो, तो 9 पाई बाई 4 प्लस 2n पाई, यहां पर 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, पाई बाई 12 इनमें से माइनस कर दो और x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो 3x आ गया 9 पाई बाई 4 2n पाई माइनस पाई बाई 12 और यहां पर 2n पाई 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 12 और 3 से इसको अब डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएगी x की अब वो हमें मिल जाएगी, वो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें इसके लिए मिल जाएगी जो हमारा ग्राफ का है। यानी ये हमने क्या किया है, इसको हमने पहले शिफ्ट कर दिया, ये वाला जो होगा ना फंक्शन था इसको हमने ओरिजिन पे शिफ्ट करके वैल्यू निकाल दी और बाद में फिर x की वैल्यू निकाल दी। क्या आपको ये बात समझ आ गई, एक और क्वेश्चन देखो इसका कैसे करोगे आप। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एन एक्स और इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग टेन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन लाइज इन द इंटरवल। आपको इंटरवल निकालना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ x, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x निकालनी है, जहां पे tan x इक्वल टू x प्लस वन होगा। तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एलजेब्रिक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कैसे करना होगा इसको। tan x का ग्राफ आप जानते हो ये होता है,
ये पाई बाई टू, ये 3 पाई बाई 2। तो y इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ बना लो। अब इसका y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ बनाओ। तो y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ कैसे, ये जो y इक्वल टू x लाइन है ना, तो वो तो ओरिजिन से होके जाती है। y इक्वल टू x प्लस 1 इसके अंदर हो रहा है, x के साथ इधर शिफ्ट हो जाएगी -1। देखो ये माइनस का 1.54 है ये वाला पॉइंट, क्योंकि पाई हो गया माइनस का 3.14 बाई 2, 1.5 के आसपास हो गया, तो 1 कहीं यहां पर रहा होगा। और जब एक्स को 0 रखेंगे तो वाई 1 आएगा, तो 1 पॉइंट ये रहा होगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ऐसे करके एक लाइन आएगी। इस तरह से लाइन आएगी। तो हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। ये वाली लाइन और जो टेन एक्स का ग्राफ है, ये बहुत सारे पॉइंट पे काटेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट पे काटेंगे। जैसे एक पॉइंट तो ये वाला आ गया, फिर एक पॉइंट जैसे ये भी आ गया, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। एक पॉइंट जो होगा जब इसको और प्रोड्यूस कर देंगे तो ये इसके साथ में इंटरसेक्शन आएगा, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। लेकिन हमसे पूछा है लीस्ट पॉजिटिव, ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो पॉजिटिव पॉइंट इधर को रहा होगा। अब लीस्ट कौन सा है, लीस्ट पॉजिटिव सबसे छोटा वो ये वाला पॉइंट है। तो यहां पर जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर आंसर। तो वो ये वाला ग्राफ और इस वाले ग्राफ, इन दोनों का ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पूछा है। तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा, ये देखो पॉइंट आ रहा है पाई बाई टू, ये पाई बाई टू आ रहा है। तो पॉइंट कहां से कहां तक रहा होगा हमारा, ये लीस्ट पॉजिटिव पॉइंट कहां से कहां तक रहा होगा, ये हमारा 1.57 है ये वाला, तो 1 यहां तक रहा होगा। तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये 10, ये पाई बाई टू, ये पाई बाई फोर है, पाई बाई फोर के आगे इसमें यहां पे काटा हुआ है। तो कौन सा इंटरवल आ गया, पाई बाई फोर और पाई बाई टू के बीच में कहीं पे कोई पॉइंट आ गया। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ गई एक्स की, पाई बाई फोर से पाई बाई टू आ गई, पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच में ही कहीं ना कहीं काट रहा होगा। जो हमारा ये काट रहा होगा वो कहां से कहां तक काटा होगा, पाई बाई फोर से पाई बाई टू के बीच में कहीं पे काटा होगा, यही हमारा। कई बार इसको ये भी पूछता है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर पूछा होता तो इनफाइनाइट होंगे, बट अगर ये पूछा होता कि 0 से π/2 के बीच में कितने सॉल्यूशंस होंगे, या -π/2 से π/2 के बीच में कितने सॉल्यूशंस होंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि -π/2 से π/2 के बीच में बताओ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो कितना आंसर होगा, एक एक सॉल्यूशन होगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक और क्वेश्चन बता दूं, जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, ये हो गया साइन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ कितने आएंगे, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जरा फाइंड करो, बताना कितने आएंगे। जल्दी से बताओ,
इनको ग्राफ से ही कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना, वही इजी पड़ता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, किसी का आंसर नहीं आया, जल्दी बताओ। ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना दो, ये यहां मैक्सिमम कहां तक जाएगा, वन तक, नीचे माइनस वन तक। दूसरा ग्राफ बनाओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का, ये क्या है, पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा। इसको परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट स्क्वायर बना दो, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर 3/4 बचेगा, तो एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 3/4, ये पैराबोला बन गया। इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, माइनस वन बाई टू 3/4, एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू कहां पर होगा, यहां पर होगा, और 3/4 कहीं यहां पर रहा होगा, ये इसका वर्टेक्स होगा, और एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू लाइन, ये इसके ऐसे जाएगा। जब हम एक्स को जीरो रखेंगे तो वाई वन आएगा, तो वन पॉइंट ये वाला हो गया, तो ग्राफ जो होगा, जो ये वन है, माइनस वन बाई टू 3/4, यहां पे इसका वर्टेक्स होगा, तो जो हमारा हमारा जो पैराबोला होगा वो कहां से जाएगा, वन से होता हुआ ऐसे जाएगा, ये ऐसे बनेगा पैराबोला। इसमें जब एक्स को जीरो रखेंगे तो वाई वन आएगा, यानी जीरो और वन पॉइंट से जाएगा, वाई एक्स इसको वन पे काटेगा, और वर्टेक्स होगा माइनस वन बाई टू और 3/4, तो माइनस वन बाई टू ये वर्टेक्स होगा और 3/4। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला कर्व और ये वाला कर्व कहीं भी नहीं काट रहे, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कुछ और क्वेश्चंस इसके कल कराएंगे, और बाकी जिन बच्चों का रह गया है इसके और क्वेश्चंस कर लो आप लोग, ठीक है। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है बहुत, इससे क्वेश्चंस कई सारे सॉल्व करने को होते हैं, करना आप ग्राफ वाले क्वेश्चंस, और जिसके जो क्वेश्चंस रह गए उनको आप पूरा करो, इसको एक्सरसाइज को करते रहो क्वेश्चंस। चलो ठीक है, बाय, बाकी कल करेंगे।